देखिए, आपको पता है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डिक्लेयर किया है कि हर घर तिरंगा होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ इस पर 75th अमृत आज़ादी का अमृत महोत्सव के वक्त पर नहीं, मेरी हर भारतवासी से यही उम्मीद है कि जब जब हमारे देश के प्रति और जब जब गणतंत्र दिवस हो, प्रजासत्ताक दिन हो, हर एक ने बढ़ चढ़ कर इस नेशनल फेस्टिवल में सहभाग लेना चाहिए, क्योंकि एक हर एक दिल में देश प्रेम सबके दिलों में होता है, लेकिन उसका इजहार
करना, लोगों में ये जागरूकता लाना, ये बहुत ज़रूरी है। सर, स्कूल से ये इनिशिएटिव शुरू होना कितना ज़रूरी है? जितने भी बच्चे हैं वो हमारे देश का फ्यूचर है, तो कितना इम्पोर्टेंट है कि ये जो इनिशिएटिव है इसकी शुरुआत स्कूल से की जाए? देखिए, जैसे बहुत सारे वैल्यूज़ हम लोग बच्चों को छोटी क्लासों से पढ़ाते हैं, उसमें पेट्रियोटिज्म भी एक वैल्यू है, तो बच्चों में अपने देश के प्रति मान सम्मान अभिमान ये होना बहुत ही ज़रूरी है, और ये पेट्रियोटिज्म की फीलिंग बच्चों को शुरुआत से ही देनी चाहिए। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में? साथ ही अजय कौल सर और एकता मंच जिस तरह का इनिशिएटिव लेता है और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मिलकर हर घर तिरंगा का जो इनिशिएटिव है, क्या कहना चाहेंगे सर? वर्सोवा कोली जमा ट्रस्ट आणि संपूर्ण वर्सोवा कोळीवाडा संपूर्ण एकता मंचा पाठीशी ठामपणे उभा आहे। एक सराने हाक मारली का आपल्याला झेंडा वंदन करायचा आहे, देशाचा अभिमान संपूर्ण आता सोन आपला ह्या 75 वर्ष देशाला पूर्ण झाली, आणि पहिलं पाऊल आपला सरानिवाच्यामध्ये उचललेलं आहे का आपल्या जनजागृती देशासाठी ते आपल्याला राबवायचे आहे, आणि एकता मंचा माध्यमातून संपूर्ण वर्सोवा गाव इथे ठामपणे उभा आहे देशासाठी। हर 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 घर तिरंगाचा नारा घेऊन हर घर तिरंगा कर हे करा जय 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 घोष करण्यासाठी, आणि एकता मंचा माध्यमातून सर्व आपले गावाला आणि संपूर्ण देशाला आपल्याला मेसेज द्यायचा आहे का संपूर्ण वर्सोवा गाव या देशाच्या पाठीमागे आहे आणि हर घर तिरंगाच्या पाठीमागे आहे। अजय सर के बारे में बोलना बहुत कम बात है, क्योंकि अजय सर हर समाज के लिए प्रेरणा है, जो हर एक को यह वर्सोवा गांव ने पूरा वर्सोवा में उन्होंने सबको एक साथ रखा है और उनके माध्यम से हर जगह वो अपना काम कर रहे हैं और सबको एक साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि मैं पहले अजय सर को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये इंस्टीट्यूट लेके हर घर घर में जो वर्सोवा में लोग बसते हैं वहाँ पे झंडा लहराने का काम उनके सहयोगी के जितने भी, जैसे पराग भावे जी है, सचिन जी है, तो इनके माध्यम से आज यहाँ से शुरुआत हुई है और हर घर में झंडा लगना चाहिए, क्योंकि आज 75 ईयर्स अपने कंप्लीट हो रहे हैं। हर हिंदुस्तानी को अपना अभिमान लगता है कि हर घर में झंडा लहराना चाहिए, और इसके माध्यम से हम यही संदेश देंगे कि हर घर में झंडा लगे और हर दिल में देश के वासी प्रेम। सर, आप क्या कहना चाहेंगे 75th इंडिपेंडेंस डे हमारे देश का, अजय कौल सर ने जो इनिशिएटिव लिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो इनिशिएटिव लिया था, लेकिन अजय कौल सर उसको आगे बढ़ा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है? सर्वप्रथम स्वतंत्र दिनाचा सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। आज वर्सोवा गावामध्ये बाजारगली कोळी जमात ट्रस्ट आणि एकता मंच अजय सर यांच्या वतीने आज हा स्वतंत्र दिनाच्या निमित्त हा कार्यक्रम घेतला आहे, त्याच्याबद्दल सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। हर घर तिरंगा हे पंतप्रधान मोदी साहेबांनी जी संकल्पना योजलेली आहे, तरी सर्वांना माझी आग्रहाची विनंती आहे की सर्वांनी आपल्या घरावर तिरंगा फडकवून आपला स्वतंत्र दिन साजरा करूया।75 साल हो गए देश को आज़ाद हो के, और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव जो कॉन्सेप्ट निकाला है बहुत अच्छा है, और हमारे को इसको मान्यता रखते हमने हर घर तिरंगा ये हम लोग आज से शुरू किए और 15 अगस्त तक ये चलता रहेगा। अजय सर का घर है, अजय सर की यहाँ ये जन्मभूमि है, अजय सर कोई भी कार्य करते हैं तो सर्वप्रथम वो वर्सोवा गांव से शुरू करते हैं, और वर्सोवा गांव से शुरू करते हैं तो वो उनको पता है कि मैं मेरे घर से शुरू कर रहा हूँ, तो हर घर तिरंगा तो सबसे पहले उनके घर से तिरंगा अजय सर। देखिए, ये हमारा गांव है वर्सोवा, यहाँ ये हमारा कोली समाज और कुपनी समाज और इनको जोड़ने वाले अजय सर, जो इन्होंने एकता का नारा लगाया है, जो एकता मंच चलाते हैं, उसका मेन उद्देश्य यही है, दिलों को जोड़ना, लोगों को जोड़ना। और हमारे प्रिय
प्रधानमंत्री जी ने नारा लगाया है कि हर घर तिरंगा, बिल्कुल सही है, हर घर तिरंगा होना चाहिए। और आज जो जोश देख रहे हैं आप, ये जोश मैं यकीनन कह सकता हूँ कि 15 अगस्त को आपको हर घर में तिरंगा नज़र आएगा। और तिरंगा नज़र आना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को प्रोत्साहित करता है वो, और बच्चे हमारा भविष्य है। आज बच्चों को हम जो सिखाएंगे वही बड़े होकर वो करेंगे। अजय कौल सर, आमचं हार्दिक स्वागत करतो की ज्याने आम्हाला काल एक मेसेज दिला की आपला हर घर तिरंगा हा सर्व गावाच्या घरामध्ये पोहोचला पाहिजे। आणि त्या मेसेजवर आज बाजार गल्ली कोळी जमात संस्था आणि ज्या नावामध्येच एकता आहे ती असे एकता मंचचे प्रेसिडेंट अजय कौल सर यांचं स्वागत आहे की हर घर तिरंगा आज जो बघताय, जो माहोल तयार केला अजय सरांनी, तो खूप एक वाकडण्याजोगा आहे। आणि त्या माध्यमातून सर्व नागरिकांना मेसेज जाईल की हर घर तिरंगा, तो अजय सरांचा मेसेज आज बाजार गल्लीने उचलून धरला आहे आणि तो मेसेज पूर्ण देशाला गेला पाहिजे। आणि जो केंद्र सरकारचा मेसेज आहे की हर घर तिरंगा, यासाठी अजय कौल सरांनी जे पहिलं पाऊल उचललं त्यासाठी अजय कौल सरांचे खूप खूप धन्यवाद बाजार गल्ली कोळी जमात संस्थेच्या वतीने, माझ्या वतीने। आणि पुढचे प्रोग्राम यशस्वी पार पडो हीच अशी आई इंगलाचरणी प्रार्थना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। समाज को साथ में लाने का 75th इंडिपेंडेंस डे, हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा, क्या कहना चाहूँगा? अजय सर तो मतलब हमेशा यूनिटी लाते ही है यारी रोड पे, और सब अजय सर के साथ में हमारे यारी रोड मुस्लिम समाज जो है जिसमें हर कम्युनिटी के लोग हैं वो अजय सर के साथ में हम लोग जुड़े हुए हैं, और तिरंगे का फंक्शन है तो सबको आना ही है। और सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह का एकता यहाँ पे अजय कौल सर ने जो काम किया एकता को लेकर, माशाल्लाह हम तो बचपन से देख रहे हैं अजय सर का काम ही ये रहा कि किस तरह से उम्मत को, पूरे के पूरे लोगों को, यारी रोड वालों को और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एक एक प्लेटफॉर्म पे लेके आके काम करें। और माशाल्लाह इन्होंने एक ये काम किया है कि सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, सबको इकट्ठा करके हमेशा इन्होंने काम करते आया, और हम हमेशा अजय सर के साथ रहेंगे और इनके साथ काम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, लोग भी खुद साथ में आना चाहते हैं? देखिए, हमेशा वर्षों का एक इतिहास रहा है कि हम लोग सब यहाँ हमेशा इतने सालों से अमन, प्रेम और शांति से रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम को आयोजित करने में सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करेंगे मदीना मस्जिद के ट्रस्टीज़ का, उनके इमाम साहब का, और सबसे बड़ा योगदान रहा है यारी रोड मुस्लिम समाज का, जिन्होंने इतने सारे लोगों को इतने कम समय में एक साथ जोड़ा, तो इसका पूरा श्रेय यारी रोड मुस्लिम समाज को जाता है। और हम सब यही यकीन करते हैं कि जो अमन शांति हमारे इस इलाके में है वो ऊपर वाला हमेशा ऐसे ही रखे। सर, आपको लगता है कि पूरे देश में ये मैसेज पहुंचना चाहिए अमन और शांति का, कितना ज़रूरी है? नहीं, डेफिनेटली, और हर जगह पर यही हाल है, सब जगह मिलजुल के ये मनाया जाता है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा ओकेशन नहीं है, ये बहुत बड़ा ओकेशन है। और आज स्पेशली जो 75 इयर्स पूरे हो रहे हैं, इसको हर जगह पे ऐसे रीत से ये मनाया जा रहा है, और हम हिंदू मुसलमान हर हर वक्त साथ ही रहते हैं। ये कुछ जगह पे थोड़ा पॉलिटिक्स के वजह से हो जाता है, बट अल्टीमेटली हमारे दिल में सब एक में के लिए काफ़ी जगह है। और हम आज मुबारकबादी देते हैं सब लोगों को यहाँ के, और ख़ास करके अजय सर का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। सर क्या कहना चाहेंगे, जैसे मैंने सर को पूछा था कि सारे लोगों को साथ में लेके आने का काम अजय सर ने किया है, 75th इंडिपेंडेंस डे है सर, सभी लोगों के लिए कितना कितना महत्वपूर्ण है ये? ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जो देश मना रहा है, और उसमें जिस तरह से हमारे झंडे में सारे कलर है, और इस मौके पर अजय सर ने इस सारे रंगों को एक साथ में लेकर ये महोत्सव मनाने का जो निर्णय लिया और हम सब इकट्ठा जुड़े, ये बहुत बड़ा मैसेज है समाज के लिए, और हमें इस मैसेज को आगे बढ़ाना है। और ये सिर्फ एक दिन का महोत्सव नहीं, हमें इस भाईचारगी को हमेशा के लिए कायम रखना है, और मुझे उम्मीद है कि यारी रोड वर्सोवा के सारे लोग इसको बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेंगे, और आने वाले वर्षों तक आप लोगों में ये सब देखेंगे यूनिटी। सर, भारतीय लोग जो भी देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? देखिए, हमें सभी भारतीयों से यही निवेदन है कि इसी जोश उल्लास के साथ ये जो 15 अगस्त का पर्व हम मनाने जा रहे हैं, जोश और उल्लास के साथ मनाना चाहिए हर भारतीय ने। और मेरी आते गणतंत्र दिवस के लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, जो लोग आज़ादी के लिए शहीद हो गए उनके लिए दोष सब क्या हो गया? उनकी कुर्बानी को तो कोई भी नहीं भुला सकता है, जितनी बार भी हम सत सत प्रणाम करें उतना कम है। सर, क्या पद्धति का रिस्पॉन्स मिळतो तुम्हाला? पहिला कोळी जमात वर्षाचा इकडे झाला, हा सेकंड तुमचा प्रोग्राम आहे, ज्या पद्धतीचा रिस्पॉन्स तुमचा वाढतोय
जसं मी सांगितलं वेसावा गावातली लोक या भागातली लोक अमनप्रिय लोक आहेत आणखी त्यांना हेच नेहमी त्यांना वाटतं की आपण नेहमी अमन प्रेम आणखी शांततेत राहावा आणखी त्याचं उदाहरण गेली कित्येक वर्ष आम्ही बघत आहोत. तुमचं नाव संस्थेचं नाव सुद्धा एकता मंच आहे, त्याच्यात एकतेचं प्रतीक म्हणून तुम्हाला दिसते म्हणून एकता मंच हे नाव ठेवलं आहे की म्हणजे एकता याचा खरोखर संदेश एकता मंचद्वारा जेव्हा तुम्ही शब्द एकता म्हणतात त्याच्यातच त्याचा साध्य होतो त्या शब्दाचा. थँक्यू सर. जो अभी 75वां जी स्वतंत्रता दिन है, जो हर घर तिरंगा जो अपने प्रधानमंत्री साहब ने जो संदेश दिया है उसका पालन करने का काम एकता मंच ने कर दिया है. एकता मंच ने सब जो को एकजुट करते कैसी है वर्सोवा में उसका बोलते एक प्रतीति दिया है. दूसरी बात है पुलिस का काम भी बहुत कम मीन्स बोलते हैं ना कि अपन बोलते पुलिस का काम भी आसान कर दिया है उन्होंने. हमें जो काम करना चाहिए वो एकता मंच कर रही है. हमें बहुत उसका अभिमान है कि हमारे वर्सोवा में ऐसी संगठना है और हम अजय सर का बहुत हमारा जो अजय कौल सर है उनका हम आभारी है. हम वर्सोवा पुलिस स्टेशन से हम उनका धन्यवाद करते हैं और ऐसा ही कार्यक्रम हर जगह होना चाहिए ऐसा हमारा संदेश है. नहीं बहुत ही इसका इम्पोर्टेंस है क्योंकि अमृत महोत्सव का जो हर घर घर तिरंगा का जो अभियान चल रहा है उसमें लोगों में जो उत्साह पैदा हुआ है ये देखने काबिल है और उसमें अजय सर जैसे महामुनिम ने इसमें हिस्सा लिया है क्योंकि एकता मंच के थ्रू ये लोगों में जुड़ने का एक जो हमको जो मौका मिला है हर हर घर तिरंगा और ये अमृत महोत्सव के मौके पे ये बहुत ही अच्छा हमको इसमें से संदेश लोगों तक पहुंचाने का एक मौका मिल रहा है. सर, हर घर तिरंगा का इनिशिएटिव लिया है ये साथ ही लोगों को साथ में भी लेके आ रहा है. सर उनका जो फाउंडेशन है एकता मंच उसने भी यही काम किया है. अभी जो हम लोग तीन जगह है तीसरी जगह है नहीं इनका बहुत ही सराहना ये काम है क्योंकि ये आज का ही नहीं कई सालों से इन्होंने लोगों को इकट्ठा लाने का और लोगों को जागरूक करने का इन्होंने काम किया हुआ है. सोशल वर्क का तो इनका कोई मतलब जितनी तारीफ करें उतना कम ही है जैसा कोविड में और कोविड के दिनों में इन्होंने किया है. मतलब आज का माहौल बनाने का पूरा श्रेय मतलब आज का ये वाला माहौल बनाने का श्रेय अजय सर को जाता है. सिराज भाई, हाँ ये जो तिरंगा है 13 तारीख से 15 तारीख का जो चल रहा है अभी लोग अपने घर पर लगा सकते हैं उसके बारे में पूरा बता सकते हो? हाँ, इसमें गवर्नमेंट ने इसमें नियमावली दी हुई है कि अभी जब तुम ये 13 से 15 तारीख तक तुम अगर घर पर तिरंगा लगाओगे तो 3 दिन तक उसको उतारने की जरूरत नहीं है. जो बाकी गवर्नमेंट ऑफिसेज में कैसा दिन में चढ़ाना है सुबह और फिर शाम में उतारना ऐसा नहीं है. ये 3 दिन तक आप ये लगा सकते हो लेकिन इसके एक नियमावली दी है हर व्हाट्सएप मैसेज पे ग्रुप पे वो दी हुए वो पढ़ो उसको और वो हिसाब से उसका पालन करो. अजय सर, पुलिस प्रशासन से जिस तरह का सपोर्ट मिला है कोविड के टाइम पे भी और आज का जो हमारा जो कार्यक्रम था बहुत अच्छे से हो गया है, सर क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? देखिए, मुझे तो मुंबई पुलिस का सपोर्ट पिछले 30 वर्षों से मिला क्योंकि आपको पता है कि जब से मोहल्ला कमेटी स्थापित हुई और हम एकता का काम कर रहे हैं पूरे मुंबई शहर में तो हमें मुंबई पुलिस का तो लगातार साथ मिला है अमन और शांति रखने के लिए. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर. आप क्या मैसेज देना चाहते हैं?